मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, इधर मेरे बेटे का हो गया, जब से मेरे हालात इतने गिर गए कि मैं आज जिन जगह अपना पेट भर रही हूँ। अब इतनी मेरे घर की बस परेशानी बहुत है और मेरे बच्चे के इलाज विलाज के लिए मैं अपना इलाज नहीं करवा सकती। बहुत पागलपन दिखा रहा है अब तो, इतना क्या कह नहीं सकता। अभी भी सुबह कह गया मुझे, तुम मर जाए ना तो मुझे इतना दे दियो, मैं भीख मांग के नहीं दे दी। कहने बोली आऊँगा कफन वफन ले आऊँगा जाके ली। पहले मैं जो है ना झाड़ू पोछ बस बर्त कपड़े धोती थी, झाड़ू पोछा तो मुझसे होता ही नहीं। अभी भी मेरे इतनी तकलीफ है, दर्द होता है, चलती हूँ तो सांस फूलता है मेरा और तीन चार जगह मैं बैठ कर चाहती हूँ। कभी बिचारी है, कभी धुलवा काम करवा लेती है, कभी नहीं करवाती है। लतीफाबाद की रिहायशी बेवा खातून का बेटा आदिल पहले दर्जी का काम करता था, ताहम नफसियाती होने के बाद से उसे कोई काम पर रखने के लिए तैयार नहीं। मुझे चाहिए सही बाजाजी, मेरे हाथ पे सलामत है, चाहो तो मेरे हाथ पे तोड़ दो, मेरे को पिटवाओ, मेरे को थक गया मैं जिंदगी से, मैं अपने आप को मान नहीं सकता, सिर्फ मरवा दो मुझे। पिछले के ड्रामे बहुत हो रहे हैं, ड्रामों में मारते हैं, फिल्मों में मारते हैं ना, चाल खेल के ऐसे मरवा दो। इंतहाई कसम पुरसी से जिंदगी गुजारने वाली लतीफाबाद की रिहायशी बेवा खातून और उसका बेटा इलाज और इमदाद के मुंतजिर हैं। रेहान गनी, पासबान न्यूज, हैदराबाद।